भूमि संबंधित समस्याओं से निजात दिलाने व घपला घोटालों की जांच कर कार्रवाई की मांग को लेकर भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर काला बिल्ला लगाकर मौन धारण किया। धरना को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार राही ने कहा कि धनबाद जिला में भूमि संबंधित अभिलेखों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं से जनमानस परेशान है। अंचल बंदोबस्त निबंधन कार्यालयों के कर्ता धर्ताओं की कार्यशैली की वजह से रैयत परेशान है। राजस्व निबंधन तथा भूमि सुधार विभाग से जुड़े कार्यालयों के अधिकारियों की करतूतों के नित्य नए कारनामे सामने आ रहे हैं। धरना दे रहे रैयतों का कहना था कि भूमि संबंधित विवादों का निपटारा हो जाने से एक साथ कई स्तर पर राहत मिल सकती है। हत्या रंगदारी ठगी मारपीट के मुकदमों में कमी होगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, आमजन राहत महसूस करेगा। हालत ऐसी बनी हुई है कि भूमि के सभी मालिक अपनी जमीन को निहारते रह जाते हैं और रंगदार अपराधी उनके बाप दादा की जमीन पर चार दीवारी कर लेते हैं। भूमि स्वामी को ना ही अंचल कार्यालय से सहयोग मिलता है और ना पुलिस प्रशासन का। नतीजन भूमि माफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है। भूमि संबंधित अभिलेखों में छोटी छोटी गड़बड़ियों का अभियान चलाकर सुधार करने की दिशा में कार्रवाई करने के कई स्तर पर बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। चेतावनी दी गई है कि अगर रैयतों को राहत नहीं दी गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आ ही रहे पूरे जिले भर से लोग हैं, चाहे धोखरा हो, गोपीनाडी हो, पलानी हो, वीर सिंहपुर हो, बड़ा पिछरी हो, भेलाटाड़ हो, आईएसएम धैया हो, चाहे कंगालों के लोग हैं, गोलकडी के लोग हैं, आपको किलाटा के लोग हैं, पलमा के लोग हैं, सभी जगह के लोग हैं। 10 वर्षों का आंदोलन है और यहाँ एक भी ऐसे लोग नहीं आए हैं जिन लोगों को जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। कोई बाहर का नेता नहीं है, कोई बाहर का भीड़ नहीं है, सारे लोग जमीन की समस्या से परेशान लोग हैं। और ये कोई भाड़े पर हमने नहीं लाया, किसी को गाड़ी भाड़ा नहीं दिया है, स्वतः अपने इच्छा से आए हैं, अपनी व्यवस्था से आए हैं। भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट व्यवस्था है और इसको हम जगा के रहेंगे, आज नहीं तो कल इसको कार्रवाई करना होगा। रिंग रोड में तो करीब 200 करोड़ का है, बाकी जमीनों का लूट है, मतलब हजारों करोड़ों की लूट है जमीन का, इसका कोई आकलन नहीं है। यदि जांच हो जाए तो बहुत सारे लोग जेल के शिकंजे में होंगे, बहुत से भूमाफिया भागते फिरेंगे। अब क्या कहा जाए, डीसी ने तो दो दो बार अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया, मगर अधिकारी चुपचाप रहते हैं। हम तो कहते हैं उनके लिए मेरा आवेदन उनके लिए मुर्गी का अंडा साबित हो जाता है, हम आवेदन देते हैं और उनके लिए आय का साधन बन जाता है। ये मौन धरना है, 2 घंटे का मौन धरना दे रहे हैं आज सांकेतिक रूप से पहली बार बहुत दिनों के बाद, और फिर आगे हम लोग की लड़ाई बढ़ेगी। आप देख रहे हैं कि जो बैनर है वो भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा, आज जिले में नहीं पूरे राज्य में भूमि की लूट मची हुई है, मुआवजा का लूट मचा हुआ। आपको मालूम है कि तिलाटाड़, रिंग रोड, आईएसएम और भेलाटाड़, चाहे वो गोलकडी हो या फिर धैया हो, आईएसएम, इनकी जमीन सरकार ने अधिग्रहण की, मुआवजा भी निकल गया और इन लोगों को पैसा नहीं मिला। ये मामला 2013 से चला रहा है और अब तक जो एसीबी है जांच कर रही है, 16 से 24 आ गया, आज तक उसका जांच पूरा नहीं हो रहा है। ये सारे लोग पीड़ित लोग हैं, बैठे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारा मुआवजा दो। कंगालों के लोग 200-250 घर है और वहाँ एक भूमाफिया जाके कहता है जमीन हमारे बाप की है। अरे सरकार की जमीन जिस पर लोग 60-70 वर्षों से बसे हैं, आप कहते हैं मेरे बाप की जमीन है। ढोखरा के लोग CNT की जमीन, SPT की जमीन, जो सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन, उसको हड़पी जा रही है। चाहे आप फिर चले जाओ गोपीनाडी, रेलवे ने जमीन अधिग्रहण किया, इनको जो और पैसा मिलना था वो नहीं मिला 5-6 वर्षों से। हर गांव के लोग जुटे हुए थे बड़ा पिछड़ी में, एक भूमाफिया 150 एकड़ जमीन सरकार का हड़प लिया और सरकारी अधिकारी चुपचाप हैं। हम लोगों ने बार बार लिख के देने का काम किया प्रशासन को, सरकार को, मगर ये लोग कहीं ना कहीं इस भूमि माफियाओं से और हड़पने वाले लोगों के से सांठगांठ है उनकी। आज हम यहाँ एक छोटी सी अंगड़ाई दिखा रहे हैं, आज तो हम सांकेतिक रूप से मौन धरना दे रहे हैं और आने वाले समय में यदि इसके बाद भी सरकार और प्रशासन के लोग चेतेंगे नहीं तो हम उनके दरवाजे को घेरने का काम करेंगे, उनको हम बंदी करने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में इनको सारे लोगों के साथ मुआवजा हो। धनबाद में जमीन घोटाले सहित मुआवजा भुगतान में पहले भी कई गड़बड़ियां सामने आई थी, कई अधिकारियों को जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन ये सब आज भी जारी है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।